नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, TCS के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि TCS ने अपनी शेयर बाजार की 20 साल की जर्नी कंप्लीट करी है। 25 अगस्त 2004 इस कंपनी का IPO आया था बाजार में, और यानी कि कल, आज 26 अगस्त है, अब कल तो बाजार बंद था। यानी कि 20 साल में इस कंपनी ने क्या किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वो समझना जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे ना कुछ नहीं होगा, देखो ये आप चाहो तो इसे यूजलेस वीडियो बोल सकते हो, लेकिन अगर आप इसको समझोगे, देखोगे, अंदर से मोटिवेटेड हो जाओगे, अंदर से ऐसा लगेगा कि शेयर बाजार में रुकना चाहिए, यहां पैसा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। सिंपल भाषा में बोलूं दोस्तों, तो इस कंपनी का मार्केट कैप जब ये मार्केट में उतरी थी, शेयर बाजार में उतरी थी, तो 41,000 करोड़ का था, 41,000 करोड़ का, ठीक है जी। करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ का है। कितना है? 16 लाख करोड़ का। 41,000 करोड़ से 10 गुना कर दोगे तो 4 लाख करोड़ का होता है, 20 गुना कर दोगे तो 8 लाख करोड़ का होता है, 30 गुना कर दोगे तो 12 लाख करोड़ का होता है, और 40 गुना करोगे तो 16 लाख करोड़ का होता है। तो आपका पैसा 40 गुना ऑलमोस्ट कर दिया है। और ये जो 16,30,000 करोड़ का मार्केट में, 30,000 को तो देखो गिना ही नहीं हमने, 16 लाख करोड़ बोला बस, अदरवाइज एक गुना ये भी हो गया। 16,30,000 करोड़ का मार्केट कैप तब है जब कंपनी टाइमली डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 0.25% के करीब। आप कहोगे 0.25% तो कम है, 0.25% 4,500 रुपए के हिसाब से लगाओ, 45 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, मैं मिनिमम केस में ले जा रहा हूं, 1% ही ले रहा हूं, कब केवल 0.25% नहीं ले रहा, तो 40 रुपए अगर ये कंपनी डिविडेंड दे रही है एक साल, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो 40 रुपए का, आप समझ रहे हो, 40 रुपए, अगर मैं 16 लाख करोड़ के हिसाब से देखूं 40 रुपए को, यानी कि 1% को, तो वो ऑलमोस्ट 16,000 के करीब आ जाएगा। तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है उसका 50-40% तो एक बार, एक वित्त वर्ष में डिविडेंड आ रहा है इन्वेस्टर्स के पास। तो ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन। आप और हम सोच भी नहीं सकते, हम कितना भी कैलकुलेटर लगा लें, कितना भी दिमाग लगा लें, कुछ भी कर लें, हम सोच भी नहीं सकते हैं ये शेयर बाजार कितना पैसा दे सकता है। बस हम लोग एक जंजाल में फंस गए हैं, और वो जंजाल है फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, इंट्राडे का, BTST का, पोजिशनल का, वो जंजाल है ये यूट्यूब पे झूठी वादों का, टेलीग्राम चैनल्स का, ये इंस्टाग्राम रील्स पे जो ये फालतू के एड चलते रहते हैं ना, आपके लिए इतना पैसा उतना पैसा, चार्ट, TV चार्ट्स, फलाना ढिका, इन सब का। अदरवाइज पैसा हकीकत में कोई बना पाता है तो वो इन्वेस्टमेंट से ही बना पाता है। देखो राकेश झुंझुनवाला जी, आप सभी के, हम सभी के कहीं ना कहीं एक आइडल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए वो क्या कहते थे। वो कहते थे कि मैंने कैपिटल इकट्ठा करा ट्रेड करके, कहीं ना कहीं से करके, कुछ ना कुछ करके, और उस कैपिटल से वेल्थ मेरी इन्वेस्टमेंट में बनी है। आप ट्रेड करके कैपिटल बना सकते हो, वेल्थ नहीं बना सकते, वेल्थ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी। अब जब खुद वो बोल रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए बात। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक करने की, और उसके प्रति, मतलब आप इन्वेस्टर बन जाओ, बस बात ही खत्म। आप देखो ट्रेड करके क्या होता है, ट्रेड करके आपका दिमाग खराब होता है, ट्रेड करके आपका समय खराब होता है, स्क्रीन पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर ग्लोबल देखने लगते हो आप, फिर रात में डाओ देखने लगते हो आप, फिर खबरें पढ़ते हो, फिर यूट्यूब पे भी पूरे दिन सर्च करना पड़ता है, भैया कुछ हो तो नहीं गया, और गलती से कुछ हो गया तो पूरी रात काली हो जाती है, मानते हो नहीं मानते। प्लस ट्रेड करके आप ब्रोकर की जेब भरते हो, और ब्रोकर आपको हमेशा फोर्स करेगा ट्रेड करो ना। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपका ब्रोकर आपसे कनेक्टेड होगा, देखो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो तो कनेक्ट होते ही नहीं है, आप अपने मर्जी से कर रहे हो, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर किसी सर्विस वाले ब्रोकर के साथ जुड़े हो तो वो आपको टाइमली पता क्या कहेगा, ये वाला शेयर उठा लो अभी, बेच दो वो, उठा लो वो, बेच दो, इस प्रकार। वो आपसे कभी कहेगा नहीं पड़ा छोड़ दो, वो बहुत रेयर केसेस में कहेगा पड़ा छोड़ देने के लिए, वो टाइम टू टाइम आपको बुक करवाता रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो ये कहेगा, अरे इतने पैसे में ये करके इतना पैसा बनाओ ना आप,
ये तो आपने गलत कर रखा है। ये लोग ये इसलिए कह रहे हैं भैया उन्हें अपना जेब भी तो अपना घर भी तो चलाना है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझो आप ब्रोकर के लिए नहीं अपने लिए काम कर रहे हो, तो आप निवेश की तरफ ध्यान दो। अब TCS के बारे में और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब कितना बड़ा होगा कितना बड़ा होगा, तो उसके लिए तो परफेक्ट एग्जाम्पल है 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 16,00,000 करोड़ की बन गई, आने वाले समय में भी बनेंगी नो डाउट। आज TCS हम सभी को पता है TCS है, उस समय किसी को नहीं पता था कि ये TCS बनेगा आगे चलकर, बहुत कंपनियां होंगी रेस में, ये बना, आगे भी अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनियां बनेंगी डेफिनेटली। TCS की बात करी जाए तो इन्होंने 3 बार बोनस शेयर जारी करे हैं, 5 बार बायबैक करे हैं, अभी रिसेंटली बायबैक करा था एक तो। 2004 में कंपनी का मार्केट कैप जैसा कि मैंने बताया 41,000 करोड़ का था, 2018 में पहली बार कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 100 बिलियन डॉलर के ऊपर निकला, इसके बाद सिर्फ 4 बार, ये छोड़ देते हैं हम, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कंपनी के कर्मचारी जो है ना 2004 में फाइनेंशियल ईयर में केवल 33,774 थे, राउंड फिगर में कर देते हैं 34,000 एम्प्लॉय थे, और आज पता है कितने हैं, आज 6,07,000 मान लीजिए, ऑलमोस्ट 6,07,000 एम्प्लॉय हैं। तो हर एक पैमाने पे कंपनी ने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड किया, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार था। 56 सालों में TCS ने केवल 5 बार अपने CEO को बदला है, अदरवाइज चलते रहे हैं, और वो भी टाइम कार्यकाल कंप्लीट हो रहा होगा इसलिए चेंज कर दिया होगा आई थिंक। तो ये दर्शाता है मैनेजमेंट भी स्ट्रांग था। देखो 20 साल बाजार में आए, उससे पहले भी थी TCS, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी आपके लिए भैया, लॉन्ग टर्म में अभी भी मैं कहूंगा भरोसा रखो, इन्वेस्ट करो और बैठो, ऐसा बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।